नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उद्घाटन विवाद का जन्मदाता कौन, सबकी जुबान पर राहुल का नाम, कहने वाले कह रहे राहुल ने बदला ले लिया। ओबीसी ने सुनाया पुरानी संसद से जुड़े नेताओं के जिंदगी से जुड़ा किस्सा, किस्से में मुलायम का आया हिस्सा। किस्से में एक किस्सा सेंगोल का आया सामने, इंटरेस्टिंग है सेंगोल की कहानी। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन होगा। 19 विपक्षी दल अपनी बात पर अड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लेकिन अचानक ये विवाद पनपा क्यों? अचानक से सही और गलत की बात कहकर एक अलग विवाद को जन्म देने वाला कौन है? नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, दिलो दिमाग में बस यही बात आने लग जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो अपना बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ले लिया। जिस नए संसद भवन के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगते रहे, उसी संसद भवन को आगे रखकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के चक्रव्यूह तैयार कर दिया। अब उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे निकलेंगे या फिर कर्नाटक की तरह फंसकर रह जाएंगे? कर्नाटक में भी पीएम मोदी के सामने राहुल और प्रियंका के कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का पाशा फेंका था और उस पाशे का जवाब देने के चक्कर में मोदी और उनकी बीजेपी फंस गई, बजरंग दल से बजरंग बली का कनेक्शन कर दिया। परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। अब राहुल ने एक और घेरा पीएम मोदी के लिए तैयार किया। कहने वाले तो कह रहे हैं पीएम मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करवाया ये उसी का जवाब है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बीजेपी की ओर से भारत के इतिहास में अपने और अपने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्ज कराने की रणनीति तैयार हो रही थी। रविवार के दिन भारत को प्राउड फील करने के लिए नए संसद भवन का विधि विधान के साथ उद्घाटन होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नया संसद भवन देंगे, लेकिन अभी उद्घाटन होता उससे पहले देश में सियासी घमासान छिड़ गया। बहस इस बात पर होने लगी संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब सबसे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, नए राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के ट्वीट के बाद नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत गर्मा गई और अब मामला बॉयकॉट तक पहुंच गया। विपक्ष के 19 दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बुधवार को सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम से अपील की, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दें, अगर पीएम ऐसा करेंगे तो हम कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। इस दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को लेकर एक किस्सा भी सुना दिया। कहा कि साल 2012 या 2013 में दिवंगत मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके टेबल के बगल में गिरा था। बहरहाल ओवैसी कह रहे हैं संसद के नए भवन का पीएम मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए क्योंकि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। विपक्ष की अपनी थ्योरी है लेकिन बीजेपी अपनी थ्योरी के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बताया, नए भवन में सेंगोल की स्थापना की जाएगी। संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इस परंपरा को सेंगोल कहा जाता है, ये युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है। नए संसद भवन में इस स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान होंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा आखिर सेंगोल क्या होता है और इसका क्या महत्व है, तो आइए बताते हैं। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है, आजाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 को जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह से कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजागोपालचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। फिलहाल अभी न्याय की लड़ाई दोनों ओर से जारी है।